तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 22 दिन कंप्लीट करके आज 23वें दिन में एंट्री मार ली है। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले एक जबरदस्त न्यूज देना चाहूंगा। गदर 2 ने पठान के हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को बीट डाउन करके नंबर 1 पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कल एंड ऑफ द डे तक 22वें दिन में गदर 2 ने पठान के इस जाइंट रिकॉर्ड को खदेड़ के अपने नाम कर लिया। लेकिन 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 जवान इस रिकॉर्ड को आज अपनी 23वें दिन में हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में अगेन शाहरुख खान अगेन नंबर 1 पर आ जाएंगे गदर 2 को बीट डाउन कर। तो जवान आज एंड ऑफ द डे तक हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में नंबर 1 मूवी हो जाएगी और गदर 2 सेकंड नंबर पर और पठान थर्ड नंबर पर। जो आंकड़ा है अभी गदर 2 का 524.7 करोड़ के आसपास समथिंग है और पठान का था 524.45 करोड़ के आसपास। तो अब जवान इसको बीट डाउन कर आज 525 करोड़ के आंकड़े में मे बी आज एंट्री मार लेगी। लेकिन ये तो तय है डेफिनेटली कि जवान आज गदर 2 के इस रिकॉर्ड को अगेन खदेड़ देगी, मतलब शाहरुख खान अगेन खदेड़ देंगे। तो अभी बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल 22वां दिन कैसा रहा मूवी का, आज 23वें दिन में कैसी ग्रोथ चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी, टोटल अभी तक कितनी कमाई कर ली है मूवी ने और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना और कर सकती है ये मूवी और कितनी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सभी बातों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं और एसआरके का डाई हार्ड फैन है तो हमसे लगातार जुड़े रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी हैं जिसमें संजय दत्त और दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगी और सेकेंड लीड पर नयनतारा, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एंड मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस, जबरदस्त तरीके से साथ निभाया है। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट में चार चांद और लगाते हुए सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने ऑसम काम किया है। इसी के साथ विलेन विजय सेतुपति सुपर फैंटास्टिक, अमेजिंग जॉब डन बाय हिम, अकेला बंदा ये भारी पड़ा है एसआरके पर। कंटेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। इसी के साथ मूवी को एज पैन इंडिया रिलीज करा गया था और साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वो मज़ेदार भी लगा। जो मासी एक्शन मसाला का कॉम्बो विथ प्योर एंड इंटेंस स्टोरी लाइन, अमेजिंग तड़का। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया पूरी दुनिया से 130 करोड़ का। पहला हफ्ता कंप्लीट करते करते मूवी ने नेट इंडियन से 369 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और पूरी दुनिया से 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। इसी के साथ सेकेंड वीक की भी शुरुआत जबरदस्त तरीके से करी और 8वें 9वें 10 दिन अमेजिंग ग्रोथ करी, सॉलिड ग्रोथ करी और पहले 10 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से मूवी 396 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी। मात्र 4 करोड़ कम रह गए थे इसको 400 करोड़ कंप्लीट करने में सिर्फ हिंदी से पहले 10 ही दिनों में। और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 442 करोड़ हो चुका था और पहले ही 10 दिनों में 812 करोड़ के ह्यूज आंकड़े को छू चुकी थी पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में और फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी, जिसने पहले 10 ही दिनों में हिंदी से फास्टेस्ट कलेक्शन किया, नेट इंडियन कलेक्शन से फास्टेस्ट कलेक्शन किया और पूरी दुनिया से फास्टेस्ट कलेक्शन किया बॉलीवुड की मूवी के मामले में, हिंदी मूवी के मामले में। बात करें 14वें दिन यानी सेकेंड वीक कंप्लीट करते करते कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। सिर्फ 14 दिन में ही हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया और नेट इंडियन कलेक्शन से 520 करोड़ और पूरी दुनिया से मूवी अब 922 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। ह्यूज कलेक्शन अगेन फास्टेस्ट ग्रॉसर की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी थी ये मूवी और यहां तक ये KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था। इसी के साथ 15वें 16वें 17वें दिन में अमेजिंग ग्रोथ करी और पहले 17 दिन में ही सिर्फ हिंदी से 492 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 17 दिन का रहा और पूरी दुनिया से 979 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन इस मूवी ने अपने खाते में रख लिया था। इसी के साथ 18वें और 19वें और 20वें दिन में भी अमेजिंग ग्रोथ करी। हाँ, हालांकि इस टाइम तक ग्रोथ स्लो होने लग गई थी क्योंकि मूवी पुरानी होती है तो ग्रोथ स्लो ही हो जाती है और ये वर्किंग डेज भी चल रहे थे और साथ में विकी कौशल की मूवी भी चलने लग गई थी और गदर 2 तो पहले ही पीछा नहीं छोड़ रही है, तो काफ़ी शो जब मूवी के बढ़ चुके थे इस वजह से पहले 20 दिन में सिर्फ हिंदी से 515
करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला और नेट इंडियन कलेक्शन से 571 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन वही रहा 636 करोड़। ओवरसीज से पहले 20 दिन में आ चुका था 335 करोड़ और टोटल कलेक्शन पूरी दुनिया से पहले 20 दिन में 1022 करोड़ का हो चुका था। बात करें 21 दिन कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। सिर्फ हिंदी से 4.5 करोड़ का कलेक्शन आया, टोटल नेट कलेक्शन 4.9 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़, पूरी दुनिया से 8 करोड़ कमा लिए थे और इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 21 दिन में 519 करोड़ का ये कलेक्शन हो चुका था। टोटल नेट कलेक्शन पहले 21 दिन का 575 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी 1030 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। बात करें कल यानी थर्ड थर्सडे की, यानी 22वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही। थर्सडे वर्किंग डे भी होता है, इसी कारण ग्रोथ डिप देखने को मिली। साथ में गदर 2 तो चल ही रही है, विकी कौशल की मूवी वो भी चल रही है और दो नई ताजी फिल्मों ने और दस्तक दे दी है और शो छीन लिए हैं। जी हाँ, फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर, और ये दोनों ही मूवी जबरदस्त हैं। फुकरे 3 अपने हक के सोच लेगी ही लेगी, क्योंकि फुकरे का जो लेगेसी आई है पहले दो पार्ट की वो हम सब जानते ही हैं, तो इस मूवी को लोग जाएंगे ही जाएंगे देखने। उसके बाद वैक्सीन वॉर भी देखने ही जाएंगे क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, इसका कॉन्टेंट बहुत प्यारा है। तो यस, यहाँ से जवान के और भी शो जब घटने चालू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो कल ऐसा कुछ मंजर नहीं देखने को मिला। कल भी मूवी ने परसों के मुकाबले अच्छी ग्रोथ करी, ज्यादा ही ग्रोथ करी, 20-30 लाख रुपए ज्यादा ही कमाए हैं कल के दिन में परसों के मुकाबले। तो सिर्फ हिंदी से 5 करोड़ का कलेक्शन आया और ऑल इंडिया नेट से 5.5 करोड़ का, ग्रॉस वही रहा 6.5 करोड़ और कल पूरी दुनिया से 9 करोड़ के कलेक्शन को करते दिखी मूवी। इसी के साथ पहले 22 दिन में मूवी ने 523 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से कर लिया था, जो जरा सा सिर्फ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रह गया गदर 2 के इस रिकॉर्ड को बीट डाउन करने के लिए और पठान के भी रिकॉर्ड को बीट डाउन करने के लिए। तो आज 23वें दिन में इन दोनों मूवीज को ये खदेड़ के जवान नंबर 1 पर आ जाएगी, पहले हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन में नंबर 1 पर कमाई करने के मामले में सिर्फ 23 ही दिनों में। और पहले 22 दिन में टोटल एंट्री का कलेक्शन हो चुका है मूवी का कल 580 करोड़ और इसी के साथ पूरी दुनिया से मूवी ने 1039 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था कल एंड ऑफ द डे तक। बात करें आज यानी 23वें दिन यानी आज फ्राइडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी कंपटीशन सॉलिड देखने को मिलेगा फुकरे 3 का और वैक्सीन वॉर का। आज जबकि सेकेंड डे में इन दोनों की ह्यूज कलेक्शन आएगा, ये दोनों ही मूवी सोच में उछाल मारेंगी, तो आज थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, कल के मुकाबले मूवी इतनी कमाई नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ में द ग्रेट इंडियन फैमिली तो चली रही है और गदर 2 भी कहीं ना कहीं सोच इससे छीन रही है। तो आज मूवी मैं बताऊं तो 8-10% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी के साथ इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह अच्छे सोच अपने खाते में रख रही है और आज एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन कलेक्शन 4 करोड़ तक दिख रहा है, जिसमें सिर्फ हिंदी से 3.5 करोड़ का आंकड़ा आते दिख रहा है और पूरी दुनिया से मूवी 6 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। इसी के साथ सिर्फ पहले 23 दिन में 527 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा सिर्फ हिंदी से कर लेगी जवान और पहले 23 दिन में ही एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 584 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और आने वाले 8-10 दिन के अंदर ये मूवी नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में 600 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगी और पूरी दुनिया से जवान आज एंड ऑफ द डे तक 1045 करोड़ के आंकड़े को कंप्लीट कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी सिर्फ हिंदी से 600 करोड़ की कमाई कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूं अगर मूवी 15 दिन और चल गई थिएटर हाउस में तो ईजिली 600 करोड़ के आंकड़े को सिर्फ हिंदी से टच कर जाएगी और ये एक ऐसा जाइंट रिकॉर्ड, अनबीटेबल रिकॉर्ड सेट कर देगी जो किसी भी मामूली मूवी के लिए बीट डाउन करना बहुत टफ पड़ जाएगा। इवन टाइगर 3 के लिए टफ पड़ जाएगा, इवन सालार के लिए टफ पड़ जाएगा सिर्फ हिंदी से 600 करोड़ की कमाई करने के मामले में। इवन डंकी मूवी को भी टफ पड़ जाएगा क्योंकि डंकी के साथ क्लैश हो रहा है सालार का, तो अब डंकी के लिए भी टफ पड़ जाएगा इस रिकॉर्ड को बीट डाउन करने के लिए। इसी के साथ लाइफ टाइम कलेक्शन पूरी दुनिया के मामले में ये मूवी कितना करोड़ कवर कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूँ 1150 करोड़ ये मूवी कर जाएगी कवर अगर आने वाले 10-15 दिन और थिएटर हाउस में चलती है तब। आप लोगों की क्या राय है, क्या मूवी 1150 करोड़ टच कर पाएगी या 1200 करोड़ टच कर लेगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।